भाषा में जब आप मुहावरे, फ्रेजेस, ईडियम्स, एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं ना, तो आपका सेंटेंस थोड़ा और क्लासी लगता है, तो आपकी राइटिंग थोड़ी और इंटेलिजेंट लगती है। इसलिए मैं लेकर आई हूँ एक और ईडियम। हाय, दिस इज़ इजी इंग्लिश। आज का बहुत ही इजी ईडियम है जो है मिस द बोट। अब ईडियम की ना पहले प्रोनंसिएशन की बात कर लेते हैं। मिस म पे स्ट्रेस, द पे स्ट्रेस, और बोट बोट ब पे स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन हम जब इसे एज अ होल पढ़ेंगे, एज अ सेंटेंस पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? मिस द बोट, तो मिस पे भी थोड़ा स्ट्रेस होगा, बोट पे भी स्ट्रेस होगा, लेकिन द को हम फटाफट बोल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका प्रोनंसिएशन, मिस द बोट, मिस द बोट। और इसका मीनिंग, मीनिंग भी बहुत आसान है। मीनिंग है कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो लेकिन आपने उसे यूज ना की हो, आप बहुत लेट हो गए हों और सिचुएशन वो निकल चुकी हो, तो आप उसे कहेंगे मिसिंग द बोट या मिस्ड द बोट। सिंपली सेइंग टू लेट। हिंदी में इसका एग्जैक्ट लिटरल ईडियम है, वो क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये आपने सुना होगा। अब लिटरली इस सेंटेंस को अगर देखें तो उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक खेत है और वहाँ पे चिड़िया आई, आपके खेत से क्रॉप्स को चुग के चली गई या ख़राब कर गई, और अब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो अब पछताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स टू लेट to actually save the situation, to hold the situation, to correct the situation. So, you've missed the boat. Ya ab pachtaye hot kya, chidiya chug gayi khet. It's too late to do anything, basically. To ye idiom jo hai, aap day-to-day life mein use kar sakte hain, writing mein use kar sakte hain. Aur aapko yaad hoga ki kabhi-kabhi jab aapki bus chhoot jati hai ya auto chhoot jata hai, to uske bare mein aap zyada kuch kar bhi nahi sakte. Kya karte hain aap? अगली ऑटो या अगली बस की इंतज़ार करते हैं, तो बस अगली अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार ही ऑप्शन बच जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द सेमेस्टर हैज़ एंडेड एंड आई कैन नॉट गिव यू एक्स्ट्रा क्रेडिट। You have missed the boat. अब देखिए, missed the boat को मैंने sentence के साथ में, sentence के बीच में use किया है, तो ये expression नहीं है, idiom है, sentence के बीच में use होगा। मतलब semester ख़त्म हो चुका है, मैं तुम्हें extra credit नहीं दे सकती, और इसीलिए opportunity जा चुकी है, boat miss हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो मिस्ड द बोट यानी आपने अपॉर्चुनिटी खो दी, और इसीलिए टीचर आपको ये कह रही है, नो एक्स्ट्रा क्रेडिट डूड, यू हैव मिस्ड द बोट। सिंपल और यूसेज भी आसान। चलिए पक्का यूसेज कर लेने के लिए ना एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई कह रहा है हरी and apply for the singing competition. Before you miss the boat. ठीक है, मतलब जल्दी करो, सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई कर दो, इससे पहले की अपॉर्चुनिटी चली जाए, इससे पहले कि यू मिस द बोट। ऐसे ही idioms के लिए आना होगा आपको यहीं इजी इंग्लिश पर।